24 में मैं हूं नूपुर सिंह और आइए देखते हैं आज की ताजातरीन खबरें। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 19 सितंबर तक ब्रिटेन में रहेंगी। बता दें कि पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। आज है पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन, जिसे स्पेशल बनाने के लिए भाजपा आज से 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए आज से भाजपा चारों संसदीय क्षेत्रों में अपने एलईडी रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। देश में फिर आबाद होगी चीते की प्रजाति, पीएम मोदी आज ग्वालियर के कोनू नेशनल पार्क में चीतों को करेंगे आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई आज अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठियां भेंट करेगी। आज कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि महेंद्र प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार को लेकर याचिका दाखिल की है। आज उत्तर भारत में विश्वकर्म पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, मेदांता में जाकर जाना मुलायम सिंह यादव का हाल। लालू यादव के इलाज के लिए सिंगापुर जाने का रास्ता हुआ साफ, पासपोर्ट हुआ रिलीज। नीतीश कुमार से मुलाकात कर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। सीएम केजरीवाल ने जेईई और नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों से किया संवाद, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्यक्रम की मेजबानी की थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी का 19 सितंबर को बीजेपी में होगा विलय, भाजपा दिग्गजों से पूर्व सीएम की मैराथन बैठक हुई शुरू। हरियाणा के मुर्दे मांग रहे इंसाफ, चंडीगढ़ पहुंचे सरकार से लगाई गुहार। मुर्दे सूखना झील पर भी घूमे, बुआ और फूफा पेंशन के लिए खुद के जिंदा होने के दिए सबूत। उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्र धारा रोड चौड़ीकरण पर लगी रोक हटाई। झारखंड में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव के काली कमाई का सच, ईडी ने दाखिल की 5000 पन्नों की चार्जशीट। चुवाड़ी में ब्लास्टिंग के दौरान चट्टानों की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मामला दर्ज, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी लोगों के बीच जाकर जनसेवा कार्यक्रम करेगी। पार्थ चटर्जी व कल्याणमय 21 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में है, बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री फिर रोककर बोले न्याय दीजिए। मुंबई पर अगले 48 घंटे भारी मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जगह जगह मूसलाधार बारिश से होगा जलजमाव। अहमदाबाद कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी समेत 19 को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर प्रभात टोपिया को 5000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ पिंगवाड़ा के शिविर का अवलोकन पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल पुरोहित द्वारा किया गया। अंबुज कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव के तहत सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय में मोहम्मद शकील आलम वार्ड नंबर 14 नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर से अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद कहा कि जनता हमारे साथ है। मैं जनता के लिए जो भी काम अभी तक किया हूँ वो जनता मेरा खुश है, और जो भी अधूरा काम है वो काम को मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा और करके दिखाऊंगा। अनुमंडल के नगर निकाय के निवर्तमान वार्ड पार्षद कलावती देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद लोगों को संबोधित किया। यदि जनता मुझे मौका क्या, मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे इस पद पर रखेगी और जनता के कामों के लिए मैं सदा जन्म ही लिया है जनता के कामों के लिए। वार्ड नंबर 4 से जय किशन कुमार ने अपना नामांकन दर्ज कर कहा, जो विकास हमारे क्षेत्र का रुका हुआ था, अगर जनता हमें मौका दे तो विकास कराएंगे। जनता से यही निवेदन है कि जो भी सरकार से सुविधा होगा वो सब देंगे। ये चाहत था कि आप एक उम्मीदवार अति पिछड़ा होने पर बोला आप एक उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए, समर्थित हम लोग आपको जानते हैं, इसीलिए मैंने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।